मूवी की शुरुआत में क्यूट गर्ल आनियन को देखते जिसका आज 18 बर्थडे होता है और उसे मेरे से पता चलता है कि उसका भाई अभी मीटिंग में बिजी है, लेकिन उसने उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एक सरप्राइज रखा है। तभी आनियन को उसके भाई का मैसेज आता है और उसे एक होटल रूम में बुलाता है। आनियन खुशी से वहां जाती है और अपने भाई अयू को आवाज लगाने लगती है। तभी उसके पीछे से आता और उसे किसी ने ड्रग्स दे दिया होता है, जिसके कारण ऐसे में वो आनियन के क्लोज जाने लगता है और उसकी जिम्मेदारी लेता है। आनियन भी उसे लाइक करती है तो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। फ्लैश में देखते हैं कि जब आनियन छोटी थी तब उसे कुछ बच्चे बुली करे होते हैं, जिससे अयू से बचाता और उसे सिस्टर बनाकर अपने घर ले जाने का डिसाइड करता है। जब आनियन की आंख खुलती है तो वो अयू को देख बोलती है कि तुमने मुझे बचपन में बचाया था और मुझे पता था कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगेंगे, और आज ये सच भी हो गया। आनियन अयू को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। पीछे से अयू की फियांसी मैंग को देखते हैं जिसने अयू को ड्रग्स दिया था और उसी ने आनियन को मैसेज करके यहाँ बुलाया था ताकि वो आनियन के जाने के बाद अपने प्लान को अंजाम दे सके, और अयू को भी लगे कि वो कल रात उसके साथ ही इंटीमेट हुआ था। जब अयू को होश आता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। ये देख मैंग कहने लगती कि वो पहले से इंगेजमेंट कर चुके और अब उसने अपना फर्स्ट टाइम भी उसे दे दिया है। अयू को इतना तो याद था कि वो किसी गर्ल के साथ इंटीमेट हुआ था और उसे लगता है कि शायद यही वो है, इसलिए वो उसकी जिम्मेदारी लेने की बात करता है। इधर आनियन अपने स्कूल में आती है, जिसे टीचर फैशन डिजाइन कम्पिटिशन के बारे में बताती है। आनियन भागी हुई घर आती है और अयू को इस कम्पिटिशन के बारे में बताती है। अयू पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थी। आनियन को लगता है कि वो उसे बताकर नहीं गई थी, शायद इसलिए उससे नाराज हो गया है और कहने लगती कि मेरा ये इरादा नहीं था, और उसके आगे वो कुछ कह पाते कि वह मैंग आ जाती है, जिससे देख आनियन के होश उड़ जाते हैं और वे उसे पूछते कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। मैंग कहती है कि वह अयू की फियांसी है। आनियन को बिलीव नहीं होता और वह उसे इस बारे में पूछने लगती है, लेकिन अयू उल्टा आनियन को सुनाने लगता है कि तुम्हें गेस्ट के सामने रूटीली पेश नहीं आना चाहिए। आनियन कहते कि तुमने तो कल मुझसे प्रॉमिस किया था ना। मैंग उसे बोलने नहीं देती और अपनी बातों में उलझाने लगती है और जानबूझकर नीचे गिर जाती है ताकि वो आनियन को बुरा दिखा सके। अयू आनियन को गलत समझता और उसे सॉरी कहने के लिए फोर्स करता है। आनियन फिर से मन में कहने लगती कि आपने कल रात जो बातें कही थी क्या वो सब झूठी थी, और मैंग को उठाती ताकि अयू उसे नाराज ना हो, जिसके बाद अयू बाहर चला जाता है। मैंग भी उसके पीछे जाती है। अयू उस पर गुस्सा करने लगता कि तुम ट्रिक्स यूज करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। मैंग घबरा जाती कि मैंने उस रात सारे सबूत साफ कर दिए थे तो फिर अब क्या गलत हो गया। अयू से वार्न करता कि तुम आनियन से ऐसी आवेग भरी बातें करके उसे भड़काने की कोशिश मत करो और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इरिटेट होती है कि अयू ने आनियन के लिए उसके साथ ऐसा बिहेव किया और वो अभी उस लिटिल बिच को चाहता है। तो उसी तरफ आनियन अयू को लेकर इमोशनल होती है कि क्या वो मुझे थोड़ा सा भी लाइक करता है। तभी दो मैन आकर आनियन के साथ छेड़खानी करने लगते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। वही जियांग आता जो उन्हें सबक सिखाता और वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। जियांग आनियन को संभालता है जो उसका सीनियर होता है और वो भी आनियन को लाइक करता है। ये जान आनियन कहते कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ तो मेरे बारे में सोचना बंद करो, और वहाँ से जाने लगती है। तो जियांग उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ जाता है और उसे घर ले आता है, जहाँ अयू पहले से आनियन का वेट कर रहा होता है। आनियन जियांग के सामने अयू को मास्टर कहकर पुकारती। अयू कहता तुम मुझे मास्टर क्यों कह रही हो, क्या तुम नहीं चाहती कि ये हमारे रिलेशन के बारे में जाने। जियांग को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अयू आनियन का यूज कर रहा है, इसलिए कहने लग रहा है कि तुम इस तरह किसी इनोसेंट को फोर्स नहीं कर सकते। अयू भी फुल एटीट्यूड से कहता कि मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, तो तुम मेरे माहौल में इंटरफेयर ना करो। जियांग कहता मैं आनियन को लाइक करता हूँ इसलिए इसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा, और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तो अयू भी आनियन का हाथ पकड़ लेता है। आनियन जियांग से अपना हाथ छुड़ा लेती, ये देख जियांग वहाँ से चला जाता है। मैंग आती है और फिर से कहानी बनाने लगती कि तुम्हें इतनी रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भाई अयू कब से तुम्हारी फिक्र कर रहा है। आनियन कहती कि उसके और जियांग के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैंग कहती कि देखो आनियन कितनी डरी हुई है कि इसे सच बताने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। जिले से अयू आनियन को रूम में लाता है। आनियन उसे सच्चाई बता देती है कि किस तरह जियांग ने उसे दो गुंडों से बचाया था, लेकिन अयू उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। आनियन उसे विश्वास दिलाती कि मैं सच कह रही हूँ और अयू को हक कर लेती है। आनियन पूछती है क्या तुम सच में मैंग से मैरिज करना चाहते हो। अयू बताता है कि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। आनियन मन ही मन कहती है कि तुमने भी तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना। अयू उसके नेक पर लव बाइट का मार्क देख लेता है, जिससे उसे लगता है कि वो सच में रिलेशन में है और गुस्सा करने लगता है। लेकिन आनियन कुछ और समझ बैठती है और बोलती कि मैं फ्यूचर में कभी तुम्हारी मैंग को परेशान नहीं करूंगी। अयू कहता मैंने तुम्हें 10 साल तक पाला और अब तुम एक अदर पर्सन के लिए मुझसे रिलेशन तोड़ रही हो। आनियन पूछते क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि कल क्या हुआ था। अयू को कुछ झलक नजर आती है और वो पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थी। असल में अयू को उस नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, और आनियन उसकी बेहुदा बातों से परेशान होकर उसे थप्पड़ लगा देती है कि मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी फीलिंग्स है। अयू को समझ नहीं पाता तो आनियन उसे उस नाइट के बारे में बताने वाली होती है कि मैंग वहाँ जाती है और आनियन के लिए मेडिकल किट लाई थी। आनियन इसके लिए मना कर देती है तो मैंग फिर से लाइन मारने लगती है कि अगर तुम्हारे स्किन पे स्कैर रह जाएगा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुरा लगेगा। अयू मैंग की बातों में आकर इनोसेंट आनियन को गलत समझता है और उसे लेकर सीरियस था, जिसके चलते वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था।
और अपने असिस्टेंट को आनियन के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने को कहता है। इधर में एक मेडिसिन लगाने के बाद आनियन को टॉर्चर करती है और कहती है कि जब तुमने आयु के साथ नाइट स्पेंड करी थी तब मुझे भी पेन हुआ था और अभी मैं नहीं आती तो तुम इस बार भी आयु को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती। और उसे मानने लगती कि क्या तुम उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो, और झूठ बोलती कि आयु अब भी तुम्हें एक बिगड़ ही मानता है और वो जब भी तुम्हें देखता है तो उसे बुरा लगता है और कहती कि ये तुम्हारी ब्लाइंड डेट है जिसे पर्सनल आयु ने प्रिपेयर की है। आनियन बहुत ही सैड होती है कि आयु से नफरत करता है, इसलिए डिसाइड करती कि वो उस डेट पर जाएगी और फ्यूचर में उसे कभी भी परेशान नहीं करेगी। अगले दिन आनियन तैयार होकर घर से निकल जाती है। असल में ब्लाइंड डेट का प्लान महंगा ही होता है ताकि वो आनियन को आयु के सामने नीचा दिखा सके। आनियन मैंग के उस पते पर आ जाती है जहाँ वो किसी और पर्सन को अपना ब्लाइंड डेट पार्टनर समझ बैठती है और उसे बातें करने लगती है। वो पर्सन शुरू में उसे कोई अटेंशन नहीं देता लेकिन आनियन के क्यूट फेस को देख उसके साथ कॉफी पीने चला जाता है। आनियन उसे अपने बारे में फुल इंट्रोडक्शन देती है और उसके बारे में पूछने लगती है जिसका नाम गुजी होता है। आनियन उसके बारे में और जानने की इच्छुक थी लेकिन गुजी किसी अननोन गर्ल को इस तरह की रैंडम कन्वर्सेशन करता देख वहाँ से जाने लगता है। तो आनियन उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि वो ब्लाइंड डेट के लिए आई है और उसे इसलिए कन्विंस कर रही थी ताकि आयु से नाराज ना हो। तो उसे सिर्फ असिस्टेंट आयु को एक नेकलेस देता है जो आयु के होटल रूम में मिला था। आयु बेचैन जाता है कि ये तो आनियन का है और वो असिस्टेंट को पता लगाने को कहता है कि उस रात उसके होटल रूम में कौन आया था। मैं आयु को कॉफी देने आती है और आनियन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है कि वो आज भी किसी और मैन को डेट करने गई है। आयु के असिस्टेंट से पूछने पर वो उसे आनियन और गुजियर के साथ में फोटो दिखाता है। ये देख आयु फौरन उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर आनियन की दो सीनियर वहाँ जाती है जो उसे गुजियर के साथ देख उसे परेशान करने लगती है और जब आनियन उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है तो उसके थप्पड़ लगा देती है। गुजी उस लड़की को रोकता है और उसे धमकाने लगता है। वहीं गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन्हें इस तरह देख उन दोनों को गलत समझते हैं तो गुजी उनसे फाइट करता है लेकिन गार्ड्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वो लड़की आनियन को बुली करने लगती है और उसे मानने वाली होती कि तभी आयु आकर उस लेडी को पुश कर देता है। आयु आनियन को संभालता और कहता है तुम इस सिचुएशन में मुझे कॉल नहीं कर सकती। आनियन कहती है मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज हो। आयु और आनियन को इस तरह क्लोज देख वो दोनों लेडीज फिर से अपनी बकवास करना शुरू कर देती है तो आयु अपने असिस्टेंट से उन्हें सबक सिखाता है। गुजी उनकी हेल्प करने के लिए आयु को थैंक यू कहता है और असल में दोनों फ्रेंड्स होते हैं। गुजी बताता है कि वो आज कोऑपरेशन पर डिस्कस करने के लिए आया था लेकिन साथ ही उसे ब्लाइंड डेट भी मिल गई जिसका उसे कोई अंदेशा नहीं था। आयु गर्ल के बारे में पूछता है तो गुजी उसे आनियन से इंट्रोड्यूस कराता है। ये देख आयु शॉक्ड होता है और उसका मुंह उतर जाता है जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उन पर दूर से नजर रखने लगता है। गुजी आनियन को अपना फोन नंबर देता है और उसे नेक्स्ट टाइम मिलने की कहकर चला जाता है। पीछे से आयु आनियन से गुजी का फोन नंबर लेकर उसे फेंक देता है और अपना ब्लैक कार्ड देता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम खरीद सकती हो और उसे गुजी से दूर रहने को बोलता है। आनियन को बुरा लगता है कि उसे अपने इशारों पर नचा रहा है जिसके चलते दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में बहस हो जाती है। आयु के आदमी उन दोनों मेंस को पकड़ लेते हैं जिन्होंने आनियन के साथ मिसबिहेव किया था। वो दोनों अपने किए पर माफी मांगते हैं लेकिन आयु ने मार देता है और घर आता है तो देखता है कि आनियन बाहर बेहोश हुई बैठी है। आयु उसे फौरन अंदर ले जाता है और डॉक्टर से चेकअप करवाता है तो पता चलता है कि उसे तेज फीवर है। वही मेंग आ जाती है और वह आयु को आनियन की केयर करता था उसे यहाँ से जाने को कहती है। यह सुन आयु से डांट कर वहाँ से भगा देता है और वो कंफ्यूज था कि आनियन की प्रेगनेंस कुछ जानी पहचानी सी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मैंग आयु को डिस्टर्ब करनी आती है और कहती है कि तुमने मुझे उस रात के बाद कभी टच नहीं किया और उसे सेड्यूस करने लगती है। इधर आनियन मैंग की बातों में आकर आयु को गलत समझती है कि उसे लाइक नहीं करता और सुसाइड करने का कदम उठा लेती है। जब मैंग से आयु को इस बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से आनियन के पास जाता है और उसे पानी से निकाल कर होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद आनियन को होश आ जाता है। आयु से हक कर लेता है और उसे समझाता है कि वो आज के बाद ऐसी पागल हरकतें ना करे। धीरे धीरे आयु को सुकून होने लगता है कि उस रात आनियन उसके साथ थी और उसे कुछ पूछ पाता कि मैंग बीच में टपक पड़ती है और कहती है कि तुम एक अदर मैन की खातिर सुसाइड करना चाहती हो, देखो तुम्हारा भाई कितना डर गया। आयु पूछता है क्या तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती। अब इनोसेंट आनियन उसे क्या गया क्योंकि एक तो मैंग उसे किसी ना किसी तरीके से बुली करना नहीं छोड़ रही है तो दूसरा आयु भी उसे गलत समझ रहा है इसलिए डिसाइड करते कि वो अब से यहाँ नहीं रहेगी। ये सुन आयु को गुस्सा आता है कि वो किसी अदर मैन की खातिर उसे छोड़कर जाना चाहती है इसलिए वो उसे बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे मनी मन आनियन की फिक्र भी हो रही थी। आनियन अपना सामान पैक करके घर से निकल जाती है और आयु के लिफ्ट देने पर मना कर देती है लेकिन आयु उसकी सुरक्षा के लिए उसके बताए प्लेस पर ड्रॉप कर देता है। आयु को आनियन की फिक्र थी इसलिए वो दो मैन को आनियन पर नजर रखने के लिए हायर करता है। आनियन भी आयु से दूर रहकर खुश नहीं थी लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और वो नहीं चाहती थी कि वो इस बच्चे को आयु पर ठोके जो इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर देगा। अगले दिन आनियन टीचर को अपनी ड्राइंग देती है जो काफी अच्छी थी लेकिन आनियन के जाने के बाद सीनियर आती है और टीचर को रिश्वत देकर आनियन की ड्राइंग चुरा लेती है। फिर से डिजाइन कंपटीशन का दिन आ जाता है और वो दोनों लेडीज सीनियर आकर उसे बुली करने लगती है। इस बार आनियन बिल्कुल भी नहीं डरती और उसे थप्पड़ लगा देती है। वहीं गुजी आ जाता है और उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की।
अनिल हैरान थे कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बता रहा है। गुजी कहता है ऐसे लोग तुम्हें बुली नहीं कर पाएंगे और वैसे भी मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। अनिल को इतना कंफ्यूज है। गुजी पूछता है क्या कोई और है जिसे तुम लाइक करती हो। अनिल के मन में सिर्फ अयु के लिए फीलिंग्स है लेकिन उसकी ऑलरेडी फियांसे इसलिए मना कर देती कि कोई नहीं है। इस बार गुजी उन दोनों चुड़ैलों को बहुत डांटता धमकाता और उन्हें घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर कर देता है, जिसके बाद गुजी अनिल के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे किस करने वाला ही होता है कि अयु से आवाज लगा देता है जो मैं इनके साथ वहाँ आया था। उन्हें देख गुजी अनिल को अपने क्लोज खींचता और अयु को बताता कि अनिल ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि अनिल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अयु उन दोनों को इस तरह साथ में देख काफी सेट होता है और जेलियसी में वहाँ से चला जाता है। अनिल भी अयु को मैं इनके साथ देख सेट थी और वो गुजी के पूछने पर झूठ बोलती कि वो थोड़ी घबराई हुई है। तभी एक सर्वेंट अनिल की ड्रेस पर डिन करा देती है। गुजी उसे अपने कोर्ट से कवर करता है और उसके लिए नई ड्रेस लाने के कहकर उसे लाउज में ले जाता है। अयु से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो पीछे से अनिल के पास जाता है और उसे गुजी और उसके रिलेशन के बारे में पूछने लगता है। तभी कुछ देर बाद गुजी वहाँ कर अनिल को आवाज लगाने लगता है लेकिन अयु अनिल को कुछ बोलने नहीं देता। अनिल सोचते कि अगर गुजी उन दोनों को इस तरह साथ में देखेगा तो वो उसे एक मिस्ट्रेस समझेगा, इसलिए बोल देती कि वो कपड़े बदल रही है। गुजी उसके लिए लाइट ड्रेस वहीं रखकर चला जाता है। वो दोनों इतनी क्लोज है कि अयु अनिल को किस करने लगता है। अनिल कहते कि हम दोनों भाई बहन है। अयु कहता है बेशक लेकिन हमारा खून का रिश्ता नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुन अनिल उसे थप्पड़ लगा देती कि मैं कोई टॉय नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे यूज करने के लिए आ जाते हो। मेरे भी सेल्फ रेस्पेक्ट है। अयु मनी मन कहता कितना अच्छा होता अगर उस रात तुम सचमुच मेरे साथ होती। जिसके बाद अनिल अपनी फैशन डिजाइनिंग प्रोग्राम में आ जाती है और वो गुजी के डी ड्रेस में काफी सुंदर लग रही थी। फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन शुरू होता है। सभी अपनी अपनी डिजाइन पेश करते हैं और वहाँ जजेस में मैं की माँ केविंग भी होती है जिसे अनिल की डिजाइन काफी पसंद आती है और सभी लोग उसकी सराहना करने लगते हैं और इस तरह अनिल ही कंपटीशन जीत जाती है। केविंग अनिल को प्रोत्साहित करती है और वो बातों बातों में अनिल के पीठ पर एक तिल देख लेती है जिससे उसे याद आता कि उसकी खोई बेटी के भी सेम ऐसा तिल था। इसके बाद किविंग आनियन को डिनर के लिए ले आती है जहाँ वो दोनों भी होते हैं। किविंग अयु से पूछते कि मैंने सुना कि तुमने आनियन को 8 साल की उम्र में गोद लिया था तो क्या तुमने इसके पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अनिल कहती है भाई अयु ने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन वो छोटी थी तो उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी याद नहीं था। किविंग आनियन को लेकर कंफ्यूज थी और उसे आनियन से कुछ कनेक्शन फील हो रहा था। यहाँ भी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और कहती कि मेरे दिल में आनिल हमेशा अयु की बहन ही रहेगी। इनोसेंट आनिल उसके बात से सहमत होती और बाथरूम चली जाती है। अयु उसके पास आता और पूछता क्या तुम सच में मुझे अपना भाई मानती हो या कुछ और। अयु उसके क्लोज आने लगता तो आनिल कहती कि हम भाई बहन है और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बाहर चली जाती है। घर जाते वक्त गुजी आनिल को पिकअप करने आ जाता है क्योंकि वो उसे लाइक जो करने लगा है और उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। गुजी आनिल का हाथ पकड़ कर पूछता है कि तुम मुझे अपने घर पे इनवाइट क्यों नहीं करती। आनिल बहाना बनाती कि मेरा घर गंदा और उसे भाई कहकर अपने रूम में आ जाती है लेकिन तभी नशे में जियांग आ जाता और वो आनिल को लेकर काफी सीरियस था क्योंकि वो भी उसे बहुत लाइक करता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। आनिल उसे ऐसी हालत में देख डर जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन जियांग उसे जाने नहीं देता और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी अयु आकर जियांग को दूर करता है। जियांग आनिल के बारे में गंदे गंदे बोल बोलता है जिसे अयु गुस्से में पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देता है और आनिल को अपने घर ले जाता है और उसके घाव पर मेडिसिन अप्लाई करता है। आनिल क्लियर करती कि वो गुजी सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड है इसलिए उसे गुजी की तरफ धकेला बंद करे और इस तरह बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इधर मैंग की मदर केविंग को देखते हैं जिसे लगता है कि मैंग उसकी रियल बेटी नहीं है क्योंकि मैंग का बिहेवियर काफी अलग था, इसलिए वह एक लेडी को मैंग के बारे में पता लगाने को कहती है। आनिल हॉस्पिटल जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है जिसे पता चलता है कि उसका बेबी स्वस्थ है। वही मैंग आ जाती है जो आनिल की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेती है और उसे थप्पड़ लगाती है कि तुम कितनी चालू हो, क्या तुम सच में आयु की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो और उसे जबरदस्ती अबॉर्शन के लिए ले जाती है। हालांकि आनिल उसे रिक्वेस्ट करती कि वो इस बेबी को छोड़ दे और वो अयु और उसकी लाइफ से दूर चली जाएगी लेकिन मैं उसके बेबी को मारने पर तुली हुई थी। वहीं अयु आ जाता है जिसे मैं बता देती कि आनिल प्रेग्नेंट है और वो अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। अयु को हकीकत पता नहीं थी और वो भी कहने लगता है कि तुम क्यों किसी कमीनी के बेबी को जन्म देना चाहती हो। आनिल को काफी बुरा लगता कि अयु से अभी तक समझ नहीं पाया। वहीं मैं झूठ बोलती कि वो भी प्रेग्नेंट है, ये सुन अयु से यहाँ से ले जाता है। आनिल कहती वो बेबी तुम्हारा है तो फिर तुम उसके लिए इतने कूर क्यों हो। कुछ देर बाद मैंग फिर से आनिल को परेशान करने के लिए आती है। आनिल मैंग से तंग आकर इस बार उसे मारने का डिसाइड कर लेती है। सर की आवाज़ सुन अयु वहाँ था। आनिल बुरी तरह से टूट चुकी थी कि कोई भी इसके बारे में नहीं सोच रहा है और सब उसके बेबी को मारने पर तुले हुए हैं। मौका देख मैंग खुद को आनिल के हाथों से छुड़ा लेती है। आनिल अपने लव अयु को खुद से दूर हटा दे हार मान लेती है और खुद को मारने की कोशिश करती है लेकिन अयु से रोक लेता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। तभी वीकनेस की वजह से आनिल बेहोश हो जाती है। डॉक्टर अयु को बताता है कि बेबी सेफ है लेकिन आनिल ज्यादा स्टिमुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो उसके और बेबी पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अयु सोचता है कि आनिल के साथ कुछ तो बुरा हुआ, तभी उसे दूर जाना चाहती है, इसलिए वो असिस्टेंट को बेबी के फादर के बारे में पता लगाने को कहता है। दूसरी तरफ मैंग अपने किसी माफिया फ्रेंड के साथ मिलकर आनिल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। कुछ दिनों बाद असिस्टेंट आनिल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि गुजी और जियांग ये दो ही लड़के हैं जो आनिल के मेल फ्रेंड्स हैं और इनसे भी उसका कोई खास रिलेशन नहीं है।
अयु कंफ्यूज था कि जब कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है तो ये बच्चा कहाँ से आया। असिस्टेंट ये भी बताता है कि आनियन अपने बर्थडे पर स्टार कास्ट होटल में गई थी। ये जान अयु फौरन हॉस्पिटल जाता, लेकिन आनियन पहले से वहाँ से जा चुकी थी। रात में आनियन को एक होटल में सर्वेंट के तौर पर काम करते हुए देखते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए सब कर रही होती है। रास्ते में आनियन को दो मेन मिलते हैं, जो उसे बुली करने लगते हैं। वहीं अयु आकर आनियन को बचाता है और मेन से फाइट के दौरान खुचक में हो जाता है। अयु इशारे से असिस्टेंट को उन मेन के पीछे जाने को कहता है, ताकि वो आनियन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। आनियन अयु को ऐसे जख्मी हालत में देख उसे अपने घर ले आती है, जहाँ उसके हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करती है। अयु प्यार से उसे टच करने लगता है तो आनियन उससे दूर हो जाती है। अयु कहता है कि मैं अपने किया पर काफी शर्मिंदा हूँ और मुझे सच में नहीं पता था कि उस रात तुम मेरे रूम में आई थी और ये बेबी भी उसका है। आनियन कहते हैं कि क्या सिर्फ सॉरी बोलने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये बच्चा सिर्फ उसका है और इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मत आना। अयु केविन को कॉल करके उसे अपनी कंपनी में आनियन को फैशन डिजाइनर के तौर पर लेने को कहता है और एक प्लान होता है। केविन को पहले से शक था कि आनियन ही उसकी रियल बेटी, इसलिए वो उसे कॉल करके अपनी कंपनी में काम करने के लिए बुलाती है। आनियन अपनी बेबी की खातिर वर्क करने चली जाती है। जब मैं उसे यहाँ देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो आनियन को डराने लगती है, लेकिन इस बार आनियन डरने वाली नहीं थी और वो उसे रिवेंज लेने आई थी। ये देख मैं अपने माफिया फ्रेंड से मिलने जाती है, जैसे बताता है कि आनियन केविन की बेटी है। मैंग डर जाती है कि अगर केविन को इस बारे में पता चला तो वो उसे घर से निकाल देंगी, क्योंकि असल में मैंग एक ऑर्फन थी, इसलिए वो अपनी पोजीशन की खातिर उसे आनियन को मारने का ऑर्डर देती है। जब आनियन घर जा रही होती है तब वो माफिया उसका एक्सीडेंट करने का ट्राई करता है, तभी अयु आकर आनियन को संभाल लेता है और उसे हक कर लेता है। दरअसल असिस्टेंट ने माफिया की कार की स्टेयरिंग को हैक कर लिया था, जिससे आनियन एक्सीडेंट से बच गई। जब केविन को इस बारे में पता चलता तो वो दौड़ी हुई आनियन के पास आती है और वो काफी घबराई हुई थी। अयु से बताता है कि ये सब महंगा किया गया है। क्यों क्लियर करती है कि मैं उसकी बेटी नहीं है बल्कि आनियन उसकी बेटी है। आनियन को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता तो उसे प्रूफ दिखाते और अयु भी उसे बता देता कि किस तरह आनियन उसे मिली थी। अब आनियन अपनी माँ को पाकर बहुत ही खुश थी। दोनों माँ बेटी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, जिसके बाद मैंग को पकड़ कर लाया जाता है और उसके साथ ही माफिया को भी। मैंग अयु के सामने इनोसेंट बनने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और ये मुझे फंसा रहा है। क्यों कहते हैं कि उसने तुम्हें मेरी बेटी होने का नाटक करने के लिए मजबूर किया था, तुमने पेटेंटी टेस्ट में फर्जीवाड़ा किया और हर जगह ठगी करती आ रही हो। मैं बोलती कि मैं तुम्हें एक माँ की तरह मानती हूँ, क्योंकि कहती कि मैंने तुम्हें कितने प्यार से पाला और तुमने ये सब किया और उसे बेदखल कर देती। अयु भी मैं के असली चेहरे को जान चुका था कि किस तरह इसने उसे आने से दूर रखने की कोशिश की और उसे गुमराह किया, जिसके बाद अयु ने पुलिस के हवाले कर देता है। क्योंकि आनियन को अपनी कंपनी में लेकर आती है और सभी एम्प्लॉय के सामने अनाउंस करते कि आनियन उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है और अब से ये इस कंपनी को हायर करेगी। सभी एम्प्लॉय आनियन को बधाई देते हैं। क्योंकि आनियन से पूछती है, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेबी को उसका फादर मिल जाए। आनियन अयु के बारे में सोचने लगती है कि वह हमेशा अयु को गलत समझती थी, लेकिन अयु हर बार उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता था और बोलती कि मैं अयु को लाइक करती हूँ। अयु उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था लेकिन अब नहीं खोना चाहता, और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। आनियन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।